जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, दिस इज़ योर वीडियो ऑफ चैप्टर थ्री, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड दैट विस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडीड दैट हाउ फाइबर कैन बी कन्वर्टेड इन टू यार्न। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फाइबर यार्न में कैसे कन्वर्ट होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाई भी थी कैसे एक धागा और धागे के सिरे में भी आप देखते हैं उसके हेड पे, अगर आप नीडल में धागे को डालें तो उसके हेड पे बहुत सारे फिर पतले पतले और थ्रेड निकल आते हैं, उनको फाइबर्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था? फाइबर था। फाइबर कंबाइन करता है तो यार्न बनेगा, और यार्न जब कंबाइन होगा तो फैब्रिक, जो कि आप पहनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लोथ्स। जो ये क्लॉथ्स हैं, ये जो कपड़े आप लोग पहन रहे हैं, दैट इज़ अ फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, वूलन फैब्रिक, पॉलिस्टर फैब्रिक। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार्न फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जो थ्रेड है वो कपड़ा कैसे बन रहा है। तो इसके दो टाइप्स हैं, दो मीडियम हैं जिसके द्वारा हम लोग यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 21 में दिया हुआ है, और मैं बुक के लाइंस को कलरफुल कर दी हूँ। वो लाइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एंड राइट दिस लाइंस इन योर कॉपी ऑल्सो। इन्हीं से आपके कीवर्ड्स के आंसर निकलेंगे। जो कीवर्ड्स है, इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, उसका डेफिनेशन इसी लाइन से आपके बनेंगे। तो अगर हमें दो यार्न को मिलाकर फैब्रिक बनाना है तो उस प्रोसेस को कहेंगे वीविंग, मींस बुनना। दो धागे को एक साथ लेकर चलेंगे और उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग, मीन्स द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जैसे दो धागा एक साथ लेकर हम चलें और उससे फैब्रिक बनाएं, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न टू यार्न्स, टेकिंग टू यार्न्स ऑन मेक फैब्रिक, देन इट इज कॉल्ड एज वीविंग। एक्टिविटी नंबर 5 में आपको एक्टिविटी करने के लिए दिया है, और बहुत अच्छे से आपको दिखाया भी है ए बी सी करके कि कैसे आप बना सकते हैं। हेयर यू कैन सी, हेयर ए बी एंड सी। आप पेपर से फैब्रिक को, दो यार्न को लेकर, यहाँ पे यार्न हम पेपर लेंगे और उसको लेके ये मैट टाइप स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, वो जो जिस तरह से हम करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीविंग। ओके, मैंने भी आपको दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए रखा है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। लाइक मैंने भी दो पेपर लिया, दिस वन पेपर एंड दिस इज अनदर पेपर। डू दिस एक्टिविटी एट होम एंड पेस्ट दिस पेपर वीविंग प्रोसेस इन योर कॉपी, दिस इज योर एक्टिविटी। फोल्ड दिस लाइक, और इसको आप स्केलिंग से, स्केल से बराबर बराबर स्ट्राइप्स में काट लीजिए, और काटने के बाद जैसे ऐसे काटिए, ऐसे बराबर स्ट्राइप्स में काटना है। आप स्केल से करेंगे तो सिमेट्री थोड़ा अच्छी आएगी, ऐसे काटना है। आप देख रहे हैं ये कैसे मैं काट रही हूँ उसको, ऐसे। इसी तरह आप होल पेज को काटिए इक्वल, और इसको अनफोल्ड कीजिए, खोल लीजिए, ओपन कीजिए। ओके, अब दूसरे पेज को, ये जो दूसरा पेज है, इसको पतले पतले स्ट्राइप्स में काट लीजिए, पतले पतले स्ट्राइप्स में। डू इट एट होम। तो ये जो हमारा दो पेज हुआ, ये दो यार्न हो गए, ऐसे दूसरे पेज का पतला पतला स्ट्राइप्स काट लेंगे। तो ये एक यार्न हो गया और ये एक दूसरा हो गया। इसको क्या करेंगे? वीविंग करेंगे। वीविंग इज अ प्रोसेस। देखिए कैसे इसको इसमें डालेंगे और इसको ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे बुक जैसा ये छोटा सा स्ट्रक्चर आ रहा है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग. अभी मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ. आप घर में पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाकर और अपने कॉपी के पेज में चिपकाएंगे और वर्क डन भेजेंगे मुझे, मैं इसको चेक करूँगी. ऐसे तो दो थ्रेड, ये दो यार्न यूज हुआ, दिस एंड दिस. दिस इज कॉल्ड एज वीविंग प्रोसेस. द एक्टिविटी इज गिवेन इन योर बुक ए बी सी. वीविंग इज डन मैनुअली, हाथ से होता है, और बाई मशीन. दिस मशीन इज कॉल्ड एज लूम्स. इस मशीन को क्या कहेंगे जिससे वीविंग प्रोसेस होता है, दैट मशीन इज कॉल्ड एज लूम्स. तो आप वीविंग समझे. नाउ कम टू द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज निटिंग. निटिंग, मम्मी को स्वेटर बुनते हुए आप देखते होंगे, एक ऊन का गोला होता है और सिर्फ एक ऊन के गोले से ही पूरा स्वेटर बनता है. अगर एक यार्न को यूज करके अगर हमें फैब्रिक बनाना है, दैट प्रोसेस विल कॉल्ड एज वीविंग. अगर दो यार्न यूज करके हम फैब्रिक बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज निटिंग, सॉरी वीविंग. एंड इफ वन यार्न इज यूज टू मेक अ फैब्रिक लाइक स्वेटर, देन इट इज कॉल्ड एज निटिंग. मीन्स अगर दो यार्न यूज करके फैब्रिक बना रहे हैं तो उसको वीविंग कहेंगे, और एक यार्न यूज करके बना रहे हैं फैब्रिक को तो उसको निटिंग कहेंगे. तो निटिंग भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका फैब्रिक बनता है. फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, आप स्वेटर को जब निकालेंगे तो एक ऊन का धागा ही निकलता चला जाता है, दूसरे यार्न की यूज नहीं होती है. वीविंग भी जो है, निटिंग जो है, वो भी हाथ से ऊन के कांटे से होता है फॉर द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, और बाई मैनुअली भी हो सकता है. So here we literally complete this chapter that is called fiber to fabrics, जिसमें हम लोग सबसे पहले फाइबर पढ़े. फाइबर मिलकर यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ा जिसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स थे. नेचुरल में हमने कॉटन एंड जूट को देखा कि कॉटन कहाँ होता है, कैसा होता है. फिर जूट जो है वो किस सीज़न, रेनी सीजन में होता है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट यूज होता है एज अ फाइबर. फिर हमने कैसे फाइबर जो है वो यार्न में कन्वर्ट होता है, डैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. फिर उसके बाद यार्न जो है वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग. वीविंग में दो यार्न यूज होता है एंड निटिंग में एक ही यार्न यूज होता है. पेज नंबर आपके नेक्स्ट पेजेस में, पेज नंबर आपके 23 में हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल दिया गया है कि पहले कैसे कपड़े यूज होते थे. तो पहले हम लोग नेचुरली बार्क ऑफ द ट्री यूज करते थे और इसी तरह नॉर्मली उस बार्क को लंबे लंबे पत्ते लीव्स से पेड़ को ढकते थे. अभी भी टीवी सीरियल्स वगैरह में आदिवासी ट्राइबल वगैरह को आप देखिएगा, जो कि अभी उतने डेवलप नहीं किए हैं, तो उन लोगों को आप देखते हैं कि पत्ते से अपने बॉडी को ढके रहते हैं. फिर आया कि सीविंग नहीं होता था, सिलाई नहीं होती थी, तो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग कपड़ों के टुकड़े से ढकते थे. फिर सीविंग मशीन बनी और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनर कपड़े हमें मिलने लगे. हमने पहले वीविंग सीखा, नीटिंग सीखा, स्पिनिंग सीखा, सब धीरे धीरे मशीनरी डेवलपमेंट के साथ साथ ही क्लोदिंग की फैक्ट्री भी अब काफ़ी डेवलप हो चुकी है. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्लोदिंग मटेरियल, दैट पहले जो है वो नेचुरली फाइबर्स, नेचुरल जो है वो फाइबर्स यूज होते थे. आज भी नेचुरल फाइबर, आप कोकोनट को जब देखते हैं, कंप्लीट ब्राउनिश कोकोनट, तो उसके ऊपर जो रेसा वाला कवर रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर. और वो भी उससे भी चटाई, मैट और बास्केट, फैन, हैंड फैन, बास्केट, मैट और ये सब बनते हैं जो कि नारियल के ऊपर की कवरिंग रहती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट फाइबर. उसके बाद हमने टेक्निक के डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे कपड़े को बनाना, सिलना, बुनना सब सीखा, और आज हमारी फैब्रिक इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. राइट द की वर्ड्स. की वर्ड्स मीन्स दिस दैट इज़ गिवन हेयर. राइट द की वर्ड्स इन योर कॉपी. द डेफिनेशन, ऑल द डेफिनेशन आई हैव प्रोवाइडेड यू इन माई नोट्स. ओके, एंड डू द एक्सरसाइज, रीड द चैप्टर, and also do the activity of weaving by papers. So here we complete the chapter fiber to fabric. Okay.
In the next video, we will start new chapter. Thank you.